नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बिग अपडेट, जो कि है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत। तो इसमें चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया हैं, उनको इसी वर्ष अक्टूबर महीने में, यानी कि अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर महीने की 2 तारीख से सभी को मोबाइल वितरण है जो चालू हो जाएगा। 2 अक्टूबर से सभी को मोबाइल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस बारे में देखिए क्या कहा है। इस योजना में राज्य की जो 1,35,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मोबाइल वितरण का कार्य है जो अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में अपना नाम आप लोग कैसे देख सकते हैं, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सभी मैं आप लोगों का भी बताऊँगा कि आप लोग अपना नाम कैसे देख सकते हैं कि आपको भी मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 साल तक इसमें फ्री इंटरनेट आप लोगों को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अंदर कौन कौन से ऐप इंस्टॉल आएंगे, क्या क्या इसमें रहने वाला है, मोबाइल कब से मिलने वाला है, लिस्ट आप लोग कैसे देख सकते हैं, अपना नाम लिस्ट में है या नहीं, सब कुछ मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। इसके जो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी हैं, वो गुरुवार को विधानसभा में उन्होंने कहा कि राज्य में 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन वितरण का कार्य इसी वर्ष अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से शुरू हो जाएगा। यानी कि क्रम अनुसार ये जो मोबाइल है वो वितरित होगा, एक साथ सभी को वितरण नहीं होगा। चरणबद्ध का अर्थ यही होता है कि जो मोबाइल फ़ोन आप लोगों को मिलने वाले हैं वो नंबर वाइज आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि अलवर ज़िले में चालू कर दिया तो अलवर ज़िले में अभी एक विशेष तहसील को एक दिन, फिर दूसरी तहसील को दूसरे दिन, इस प्रकार से ये मोबाइल हैं जो दिए जाएंगे, ठीक है, शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर बी डी कल्ला प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों एवं का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। डॉक्टर कल्ला, अभी देखिए इसको इतने आप लोगों को पढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये सभी आप लोगों को पता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ लेना है। और अब देखिए, पहले तो आप लोगों को जानना है कि जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है इसमें आप लोग पात्र हैं या नहीं हैं, इसके लिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों के परिवार में जो महिला है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान की ही वो महिला होनी चाहिए जिसको ये मोबाइल मिलना है, ठीक है। महिला के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। चिरंजीवी परिवार में महिला का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सभी एक तरीके से जो रूल्स हैं वो सभी पर लगभग सभी पर फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। और गरीब परिवारों की महिलाओं को भी स्मार्टफोन मिलेगा, चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं की स्मार्टफोन मिलेगा, और 2,00,000 से परिवार की आय कम होनी चाहिए। अब इसमें दस्तावेज कौन कौन से आप लोगों को चाहिए, वो सभी दस्तावेज भी मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दस्तावेज देखिए, इसमें आधार कार्ड लगेगा, जन आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, SSID, मोबाइल नंबर और चिरंजीवी कार्ड, ठीक है, ये चीज़ें इसमें लगने वाली हैं। और अब इसकी जो लिंक है, आप लोग अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है जो लिस्ट में है या नहीं है, तो वो सभी मैं अभी आप लोगों को जो लिंक है वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अब कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को चेक योर नेम लिस्ट के नाम से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आपको सिंपली, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस प्रकार से क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आप लोगों को यहाँ से गुणा के निशान को कट कर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ देख सकते हो, आप माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की यहाँ पर फोटो है, और प्रसादी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजे, यहाँ पर आप लोगों को अपना जन आधार कार्ड नंबर डालना है। जन आधार कार्ड नंबर डाल करके आप लोग जैसे ही सर्च करोगे, आप लोगों को जो दिखाएगा वो स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने मेरे जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो
तो मैं इसको सिक्योरिटी रीजन के लिए थोड़ा क्लोज कर देता हूँ वीडियो को। आप लोग जैसे ही इसके अंदर अपने जन आधार कार्ड नंबर डालोगे, आप लोगों के पास इस प्रकार से योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस प्रकार से दिखाएगा। यहाँ पर जो आपकी घर से जो महिला मुखिया है उसके फादर का नाम आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर आपके मम्मी के फादर का नाम दिखाया जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की जो यानी कि घर में मम्मी है या कोई महिला मुखिया, उसके जो फादर हैं उसका नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को एलिजिबिलिटी स्टेटस यानी कि आप लोगों को मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर यस लिखा हुआ है तो आप लोगों को मोबाइल मिलने वाला है, ठीक है। और आपके जो घर के महिला मुखिया है उसका नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा, और यहाँ पर आपके जो जन आधार नंबर हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ नीचे आप लोगों को दिखाई जाएगी। NFSA से आप लोगों को जो ये मोबाइल मिलने वाला है वो NFSA से मिलने वाला है, यानी कि अनाज मिलता है, इस कारण से ये जो NFSA यहाँ पर दिखा रहा है। इसी प्रकार से किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अपना लिस्ट में नाम चेक करना है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप लोगों को मोबाइल मिलेगा या नहीं, ठीक है। यही आज मैं आप लोगों को बताने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।